फील अ बिट वेरी हैप्पी बिकॉज कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन मैंने अच्छा ही लिया। हर चीज आसन से स्टार्ट होती है और आसन से ही एंड होती है। भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा और इसको जनता इतना वोट इतना प्यार। हेलो एंड वेलकम टू इंफोबग, दिस इज अमर चौहान। लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम एंड यू नो व्हाट, मैंने सपने में क्या सुना गेस कीजिए। बिग बॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि सपने में सुना कैसे। बिग बॉस को आज तक किसी ने नहीं देखा तो मुझे सपने में वो सुनाई दिए, जैसे कि बिग बॉस चाहते बहुत हैं। तो कल रात सपने में बिग बॉस मुझे सुनाई दिए और उन्होंने कहा बिग बॉस चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर से आसिम और मायरा को सपोर्ट करें। अब मैं हूं परम भक्त बिग बॉस की, तो मुझे लगा कि क्यों ना बिग बॉस का आदेश जो है उसे माना जाए। तो हमने बहुत 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 ढूंढा और आसिम की फैमिली को हमने ढूंढ लिया जो कि जम्मू में रहते हैं। और मायरा शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनकी फैमिली जो है वो मुंबई में है, उनसे हम मिल तो नहीं सके, बट हाँ मायरा के बारे में भी हम आपको आज कुछ आसिम और मायरा के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो है आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। जिथे भी जांदा उथे मेरी चर्चा, न मेरी चाल न मेरी गल सीधी, गर्ल नेक्स्ट टू मी कहंदी हाउ यू डूइंग हनी। मेरा हाल मेनू समझ ही नहीं आए, भंग दे नशे च मेनू यार बुलाए, कहंदा भंग ते दारू और पीती जाए। ये गोवा अफ्रीका जाके मैंने भंग बेची ते पीती, गोरियां ते टैन कुड़ियां दे बिच जाके मैंने ऐश कीती। इथे कालियां दा देसी लोका जैसा हाल, इथे रुपए ते उथे रान दे पीछे बुरा हाल। कोई कहंदा इसमें इज्जत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं जब वर्कआउट करता हूं ना अपने लिए, मैं यूथ को जो मोटिवेट करता हूं, देखता हूं कि हाथ भी टूटा है, इधर रखो डंबल, व्हाट करो, दैट्स माय वे टू मोटिवेट एंड लिव इन दिस शो। तो इस वक्त हम आए हैं आसिम के घर पे, तो चलिए इनके घर वालों से बातचीत करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15th फेब को फिनाले है बिग बॉस का, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है। बिग बॉस मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरी तरह बिग बॉस के परम भक्त हैं, जो कि उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देखते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आसिम के घर और उनके फैमिली वालों से मिलवाते हैं। सो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसिम के डैड, तो आइए इनसे मिलते हैं और आसिम के बारे में कुछ खट्टी मीठी बातें जानते हैं। हाय एंड वेलकम टू इंफोबग सर। हेलो, आई एम गुड। सर सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, आपका बेटा इतने बड़े देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 13 में अभी बराबर की टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा है कि सबका कोई ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई एक्टर है ना। आसिम ने एक अपनी जगह जो है वो खुद रेस की है, सो आपसे हम आसिम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले मैं तो कलर्स का, बिग बॉस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे हैव गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपकी एंट्री ना हो तो वो अपॉर्चुनिटी उसको मिली, वो अपॉर्चुनिटी भी उसको अपने कैलिवर से मिली, अपनी हार्डवर्क से मिली। आई रिमेंबर कि जब उसका लास्ट आफ्टर 4 सिटिंग इंटरव्यू था, लास्ट इंटरव्यू था, उस वक्त भी उन्होंने क्रिएटिव टीम से यही पूछा था, भाई तुमने बहुत काम किया, तुमने अच्छे ब्रांड किए, तुमने मॉडलिंग में बड़ा अच्छा काम हुआ है, योर फेस इज़ वेल नोन, बट योर तुम्हारा नाम जो है वो कोई नहीं जानता। हमारे पास जितने भी कंटेस्टेंट्स अभी तक मौजूद हैं, दे हैव गॉट ए बिग फैन फॉलोइंग, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वी आर जस्ट थिंकिंग कि आपको हम किस बेस पे हम आपको ले। तो उसने उसका जवाब था जो उसे मुझे कन्वे किया, तो उसने कहा था कि मैं अगर हूँ तो बिग बॉस की रियलिटी शो के लिए, वरना किसी दूसरे शो में नहीं जाऊँगा। उसने कहा कि मैं 8 साल से मुंबई में रह रहा हूँ और अपनी मेहनत से और हार्डवर्क से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सारी गेम ही थी कि मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं घर में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर भी वही गेम खेलूँगा और अभी पर आपको इसमें निराशा नहीं होगी, आप जरूर आपकी एक्सपेक्टेशन पे मैं उतरूंगा। तो दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व, तो आई थिंक दैट मेड हिज एंट्री वेरी इजी, और उन लोगों ने उसके उस रिजॉल्व को मुझे लगता है देख के उसको पसंद किया, और उसको उसी दिन शाम को, उस दिन जब उसने मुझे कन्वे किया था 25th of September, उसी दिन शाम को उसकी एंट्री हो गई। क्या बात है सर। अक्सर शुक्ला और आसिम का जो पहले दोस्ती थी बहुत अच्छी, देन सडनली उनका आपस में नहीं बनी किसी वजह से, और उनके झगड़े की वजह से ही मुझे लगता है आज बिग बॉस जो है वो हाईएस्ट टीआरपी जो है वो ले रहा है कहीं ना कहीं। सो जब आप उसको स्क्रीन पर देखते हो और वहाँ से शुक्ला और आसिम का दोनों का बराबर का वो चल रहा होता है, कैसा फील होता है, मैं आपसे एज ए ऑडियंस जानना चाहती हूँ। देखिए ये चीज़ अनयूजुअल नहीं है,
ये जो बिग बॉस है एक घर का माहौल पैदा करता है, और घर के माहौल में मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन होते हैं। अक्सर आपने घरों में भी देखा होगा कि जब भी हमारा कोई छोटा जो छोटा होता है, सबसे घर में छोटा भाई छोटी बेटी हो कुछ भी हो, तो उसको हमेशा घर वाले अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब भी वो बात करें तो उसको कहते हैं तुम खामोश जाओ, तुम छोटे हो, और इवन वो मैच्योर भी हो जाता है बल्कि बड़ा भी हो जाता है तभी उसको ये कहते हैं कि तू छोटा है तू चुप हो जा। तो ये एक स्टेज आती है, आपने देखा होगा घरों में भी बच्चा रिवोल्ट करता है। तो ऑब्वियसली आसिम भी जब दोस्ती होती है, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र का वहाँ लिहाज खत्म हो जाता है। वंस यू आर फ्रेंड फ्रेंड्स आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज दे शेयर द थिंग्स, ये आपस में सीक्रेट जो है शेयर करते हैं, फिर आपका छोटा बड़ा नहीं होता। तो आसिम भी चूँकि जब बिग बॉस में गया तो अननोन फिगर थी, शुक्ला एक अच्छा रीजनेबल आदमी था, मैच्योर आदमी था, वेरी गुड पर्सन, हम्बल पर्सन जो उसका लग रहा है और जो है वो शायद हमने देखा उसको 4 महीने से, तो उसकी दोस्ती में वो रहा। लेकिन वक़्त के साथ साथ उसको लगा कि ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा, अंडरमाइन कर रहा, मेरी हर बात को ये नकार रहा। तो नकारने के बाद एक जब आस्ता 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 आपके अंदर एक बिल्ट होता है कि मेरी हर बात को नकारा जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आता है कि कोई बहाना बन जाता है और वो बर्स्ट आउट हो जाता है, और उससे उसकी पर्सनैलिटी जो है बाहर आ जाती है, उसका गुस्सा, उसका एग्रेशन, सब चीज़ें बाहर आ गई। और आई थिंक शुक्ला और बाकी लोगों ने मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रोल अदा किया कि आसिम की पर्सनैलिटी को बाहर लाया, एनहांस करने के लिए, और लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। बिकॉज लोग जो है आज के ज़माने में जो यूथ है, स्पेशली यूथ जो है, वो रियलिटी को बड़ा पसंद करता है, वो फेक चीज़ों को पसंद नहीं करता है। आपका रियल फेस है तो रियलिटी होनी चाहिए, अगर आप फेक बन के प्रिटेंड करते हो मैं ऐसा हूँ, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। आई थिंक रियलिटी जो है, जो रियलिटी शो था उसने रियल अपना कैरेक्टर सामने लाया। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर लविंग। वंडरफुल। अच्छा सर, अभी कुछ हफ्तों पहले आसिम और शुक्ला का फिर से झगड़ा हुआ था, जिसमें शुक्ला ने आसिम को ये बात बोली थी कि तुम्हें तुम्हारे फादर ने घर से धक्के मार के निकाल दिया था। ये स्टेटमेंट आप कैसे क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद यकीन किया हो, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो सच्चाई मालूम होगी, आपके मुँह से स्टेटमेंट को मैं चाहूँगी कि आप। इनफैक्ट आसिम ने खुद भी इसको क्लियर किया वहाँ पर, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आई एम थैंकफुल टू माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर फैज मोहम्मद किसाना, ही रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो। उनने मुझे अभी आसिम 8th क्लास में था, ये वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा यार इस बच्चे में मुझे ऐसे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो इसको फिल्म लाइन में आप भेज दो, इसको अकेडमिक साइड में भेजो, क्योंकि उम्र जो बड़ा था वो बड़ा अच्छे मार्क्स देता था, बड़ा टॉप पे रहता था, मैं भी बड़ी थी, वो भी बड़ी क्लास में टॉप 3rd 4th पे जाती थी, आसिम मीडिया कर था क्लास में, उसने मुझे कहा था। एनी हो, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब प्रिंसिपल ने मुझे DBS में, तीनों बच्चे DBS में पढ़े जम्मू में, तो प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इस बच्चे में थोड़ा सा कुछ डाइवर्ट अटेंशन हो रही है, जब दोनों बच्चे बाहर आ गए, उम्र अभी भी चला गया, बेटी कॉलेज में चली गई, तो आसिम को थोड़ा एक फ्री हैंड मिल गया। पहले तो भाइयों बहनों के प्रेशर में था तो खामोश था, तो उस वक्त वो अपना दोस्त फ्रेंड सर्कल वगैरह बना, तो प्रिंसिपल ने भी मुझे कई बार कहा कि इसका रुझान थोड़ा सा डिफरेंट है। देन फाइनली वो जो बात थी वो चीज़ मेरे जहन में आई, आई डिसाइडेड टू पुट हिम इन दिस प्रोफेशन, सो दिस वॉज माई चॉइस, एंड आई टुक हिम टू बॉम्बे, मैंने ले गया उसको बॉम्बे ले गया, वहाँ पर मैंने उसको पूरा वो इलाका दिखाया, बड़े लोगों से मिलाया, फिल्म के ये जो खासकर TV आर्टिस्ट लड़के थे वो मिले, उनसे मैंने बात करवाई कि देखो इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, इसको मैंने कन्विंस किया। देन फाइनली आई पुट हिम इन ए वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि जहाँ से बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे एक्टर जो थे प्रोडक्ट थे, तो उनसे मैंने जब बात की उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा मतलब मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल। देन दैट वो दिन था कि इसकी जर्नी वहाँ स्टार्ट होगी। दिस वॉज ए बाई चॉइस, दिस वॉज नॉट यू कैन से बाई चांस, इट वॉज बाई चॉइस। और तभी मैं कहता हूँ कि आज अगर आसिम किसी अचीवमेंट में उसने अचीवमेंट किया है तो आई फील ए बिट वेरी हैप्पी, बिकॉज कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन मैंने अच्छा ही किया। क्या बात है। सो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि 15th फेब को फिनाले हैं और सभी पेरेंट्स की तरह आप भी चाहेंगे जाहिर है कि आसिम ही जीते, सो एक वोट अपील हो जाए एंड एक मैसेज। हाँ, ये सिर्फ मैं तो समझता हूँ कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उन लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि आई कैन नॉट बिलीव इट। इवन हम सोच रहे हैं कि हम तो इतनी मोहब्बत करते नहीं हैं उससे जितने के लोग कर रहे हैं, मतलब हमारी अपनी मोहब्बत कम दिख रही है जितनी लोगों में अक्रॉस कंट्री या अक्रॉस
कहीं कहीं दूसरे दूसरे मुल्कों से भी मैसेजेस मैं देखता हूँ कि आ रहे हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बहुत सारे हैं ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो अक्रॉस द बोर्ड जो फैन फॉलोइंग उसकी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दिस अनबिलीवेबल एंड अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। यस्टरडे में देख रहा था कि 15 मिलियन ट्रेंडिंग में जो था उसका ट्वीट जो है कम टच किया, मार किया, दैट इज अगेन वेरी ग्रेट थिंग। रादर आई थिंक इट विल बी रादर ए रिकॉर्ड ऑफ बिग बॉस। तो मैं इन फैन फॉलोइंग को या जितने तमाम देखने वाले हैं जो बिग बॉस को पसंद करते हैं, देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको मैं आई फील ए बिट ऑनर्ड कि मैं उनको ये अपील कर रहा हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया उसकी जर्नी में। अभी तक जो भी अगर वो आसिम इस वक्त इस स्टेज पे पहुँचा है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ सपोर्ट एंड लव ऑफ दी फैंस। तो मैं ये कहूँगा कि वो कंटिन्यू करें ये सपोर्ट आप, और इसको पूरी तरह सपोर्ट करें ताकि ये विनर बने। ऑब्वियसली ये अमंग थ्री तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत साथ है, क्योंकि मोहब्बत इंसान को बहुत दूर ले जाती है। ये इस चीज़ ने साबित कर दिया कि मोहब्बत ही एक चीज़ है जो कि इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस फील्ड में भी एक चीज़ आसिम ने साबित कर दी कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गॉडफादर की ज़रूरत है। आपकी मेहनत, पैशन, हार्डवर्क जो है आपको किसी हद तक भी ले जा सकता है, और ये फील्ड भी आपकी उतनी ही कदर करता है अगर आप में वो जज्बा और मेहनत हो। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जितने भी बिग बॉस भक्त हैं मेरी तरह, आई एम श्योर उन्होंने आसिम का एक डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, आई स्वेयर ऑन एलिजा। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं आसिम। अब ये एलिजा कौन है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे जिन्होंने कभी वो एपिसोड्स मिस कर दिए होंगे। चलिए आपको एलिजा से मिलवाते हैं, हालांकि वो हमसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, हमारी तरफ देख भी नहीं रही है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे में, फिर भी हम आपको मिलवाते हैं एलिजा से। एलिजा, हाय एलिजा, से हाय। ओके, उसका मूड नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ना उनको हमसे बात करने में इंटरेस्ट है, ना वो हमें अपना चेहरा दिखाएंगी, ना वो हमारा चेहरा देखना चाहती है, बट फिर भी हम आए हैं। चलिए उनकी मॉम से बात करते हैं जो कि आसिम की सिस्टर हैं। हाय एंड वेलकम टू इन्फोबग। कैसा फील होता होगा ना जब आप अपने भाई को एक नेशनल टीवी पे देखते हैं, सो हाउ डज इट फील? आई एम रियली प्राउड टू बी आसिम सिस्टर, सीरियसली। ओके, अब तो हमें मतलब ऐसा है कि हाँ, आसिम की सिस्टर जा रही है, आसिम की ये मतलब हर चीज़ आसिम से स्टार्ट होती है और आसिम से ही एंड होती है। इवन बीइंग अ टीचर, मैं स्कूल में जाती हूँ, मॉर्निंग से आसिम का टॉपिक स्टार्ट होता है और डे टाइम तक आसिम आसिम आसिम। तो मैं जितने भी लोग आसिम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने आसिम को यहाँ तक लाया। उनके प्यार के बिना तो आसिम मुझे नहीं लगता कि कुछ भी था। मतलब वो लोग जितना प्यार दे रहे हैं आसिम को, तो आसिम आज वहाँ तक पहुँच चुका है। अब फिनाले आ गया है और होपफुली कि आप लोग इतना ज़्यादा और कुछ ज़्यादा प्यार देंगे कि आसिम जीत के आए, हम यही विश करते हैं। जीतना तो एक नहीं है, बट बीइंग अ सिस्टर मैं यही चाहती हूँ कि आसिम जीते। बाकी वन हैज़ टू विन। या दैट्स ट्रू। चलिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इन्फोबग पे। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप आसिम को पूरा, आज सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में आसिम का एक नाम बन चुका है, एक साधारण सा लड़का जी, इतना हार्डवर्क करने के बाद आज एक रियलिटी शो पे है और वो भी सबसे बड़ा रियलिटी शो जी। आपसे जानना चाहते हैं, आसिम बचपन में कैसा था? बचपन में था नाटी, स्कूल के लिए बहुत कम तैयार होना, नहीं रोना, उसने कोट नहीं पहना, टाई निकाल, जब मैंने तैयार करना उसने टाई निकाल के नीचे रख देना बैग के अंदर। अच्छा। तो फिर रोते ही जाना, मतलब दिल से कभी वो कहता नहीं था कि मैं स्कूल जाऊंगा। okay. रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। और उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और मैं आपको सच बताऊं, और अपनी माँ और बाप के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब मैं कोई भी चीज़ बोलूं आसिम को, आसिम मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आसिम ने कहा मम्मा बस मैं अभी, आप बोल रही हो तो मैं अभी आपको पहुंचा देता हूँ। क्या बात है, क्या तो आसिम पे मुझे बहुत गर्व है कि आसिम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे लिए, उस मेरे लिए वही जीत है, मेरे बेटे के लिए वही जीत है। आपने कभी सोचा था, मॉडलिंग लाइन में तो चलो उनका शौक था, लेकिन कभी सोचा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? नहीं, सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और इसको जनता इतना वोट, इतना प्यार। तो
तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रिया के दिल से करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने मेरे बेटे को सपोर्ट किया है और मेरे बेटे को बिग बॉस का भी मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहती हूँ कि उसने भी यहाँ तक लाया उसको। आगे है 15 डेज के 15 फरवरी को फिनाले है। कोई भी शुक्ला पारस कोई भी अगर जीता है तो मेरे लिए खुशी है क्योंकि मुझे ये है कि मेरा बेटा जीत चुका है। क्या बात है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं असिन की लुक्स पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। मेल फैंस तो उनके हैं, उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी लुक्स ऐसी है बहुत ज्यादा बिग बॉस में नहीं है इतनी फॉलोइंग जितनी बाहर है। यस जी जी। तो आपने क्या खिलाया बचपन में? नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वही है खिलाया तो वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत मेहनत करता है उसने 8 साल बॉम्बे में रह के बहुत मेहनत की है और अपने बलबूते पे वो बिग बॉस में पहुँचा है। हमारा हाथ नहीं, चलो हमारी दुआएं हैं उसके साथ मगर वो बिग बॉस में पहुँचा अपनी मेहनत से। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या बात है। अब मम्मी जी से एक और सवाल जानते हैं। आपकी बहू जो है वो आ गई है, आने वाली है इनफैक्ट, क्योंकि बेटे ने तो पसंद कर ली है बहू, तो बहू के बारे में आपका क्या कहना है बेटे और बहू को लेकर? बेटा अगर मेरे बेटे को वो पसंद है तो हमें भी पसंद है। क्या बात। हमें भी पसंद है क्योंकि अगर मेरे बेटे की मर्जी है कि वो मुझे पसंद है तो हमें पसंद ही पसंद है। क्या बात है। आप लोगों को याद होगा नेशनल टीवी पे उन्होंने प्रपोज किया था हिमांशी खुराना को, तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ क्योंकि वो जेएनके की बहू है, होने वाली बहू। सो ये आपका बहुत अच्छा है कि आपकी जो बेटे की पसंद है वही आपकी पसंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम यही कहते हैं कि अभी उसका कैरियर शुरू हुआ है, हम कहते हैं चलो 2 साल वेट करें उसके बाद वो जैसा जो भी वो करना वैसे चाहे वैसे। आज भी वो बाहर निकल के जैसा, हम शादी के लिए ये कहते हैं कि नहीं अभी उसका लाइफ अभी कैरियर शुरू हुआ है तो हम कहते हैं कि इसलिए कि अभी 2 साल रुक जाए उसके बाद तो क्या जैसे, बात है? जैसे उनकी मर्जी। क्या बात है? हम साथ हैं। ओके, अब जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं 15 फरवरी को फिनाले हैं और आप एक माँ हैं, माँ होने के नाते आप जाहिर है आप तो यही चाहेंगे आपका बेटा जीते, तो एक वोट अपील कर दीजिए कि जो जनता देख रही है तो वो वोट करें आपके बच्चे के लिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर आसिम को पसंद करते हैं सब लोग तो उनको जितने भी व्यूज़ हैं वो उनको वोट करें और मैं उनका कहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं। थैंक यू वेरी मच। बिग बॉस में एक और नाम है माहिरा शर्मा जो जम्मू की रहने वाली हैं। माहिरा के बारे में आपको बता दें, शी स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल एंड मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन 2016 विद सीरियल यारों का टशन। इसी तरह से और भी उन्होंने शोज किए जैसे नागिन, कुंडली भाग्य एटसेट्रा। टीवी सीरियल्स के साथ साथ शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ फ्यू पंजाबी म्यूजिक वीडियोज एज वेल, जिसके लिए लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, जिसमें जस मानक का लहंगा सॉन्ग भी शामिल है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्ट्रेस, माहिरा एक नोन टिकटॉक स्टार है विद मिलियंस ऑफ फैंस ऑन हर अकाउंट। माहिरा बिग बॉस में जब आई थी तो एकदम शांत रहती थी, शहनाज से दोस्ती हो या फिर पारस छाबड़ा, माहिरा ने बिग बॉस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो दिस वॉज आर स्पेशल एपिसोड ऑन आसिम एंड माहिरा'स लाइफ जो कि बिग बॉस 13 के कूल कंटेस्टेंट्स हैं। सभी जानते हैं जितने भी बिग बॉस के परम भक्त हैं उनको तो खैर मालूम ही होगा कि 15 फरवरी को बिग बॉस का फिनाले है, जो कि आपके जो यू नो सिर्फ देखना जरूरी नहीं होता है, जो पार्टिसिपेंट है वहां पर उनके लिए वोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड जेएनके की तरफ से हम आसिम और माहिरा दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इन्फोबग आपके साथ है। जिस तरह से आज हमने उनकी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर की, मकसद यही था कि आप जो स्क्रीन पर देखते हैं वहीं तक जिंदगी सीमित नहीं है, उसके बाहर की जिंदगी क्या थी हमने आज आपको बता दिया। एंड इफ यू लाइक द एपिसोड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। कीप वॉचिंग इन्फोबग।